हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज जो है काफ़ी दिनों बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं। हम हर दफ़ा यही कहते हैं कि आप जल्दी ब्लॉग आएंगे, लेकिन इस दफ़ा जो है काफ़ी देर से बाद ब्लॉग बना रहे हैं। आज हम जा रहे हैं जी, आपको जिस तरह पता होगा कि पिंडी में है ताजी खोकर का डेरा। ताजी खोकर के डेरे पे हम जा रहे हैं। तो वहाँ पे असल वजह जो है जाने की कि वहाँ उन्होंने ना शेर वगैरह रखे हुए हैं, मुख्तलिफ जानवर वगैरह रखे हुए हैं, तो इसलिए जा रहे हैं। बाकी कोई इतनी खास वजह नहीं है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं साथ साथ किधर हम जाते हैं और क्या क्या करते हैं। पहुँच गए थे तो आप अंदर जाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये इसका मेन गेट है। अब हम डेरा अब एंट्री कहाँ से है हमें मालूम करेंगे। हमने इंतजाम कर लिया है एंटर होने का। आगे थे, अब अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं कि अंदर है क्या। ये लोग शायद कोई एंट्रेंस का पूछ रहे हैं उनसे, और बात जिससे हमने इजाज़त मांगी थी उनसे। अब अंदर जाके आप बताते हैं। एंट्री में बड़ा कुछ एकदम से सामने आया है। वहाँ पर एक और भी चीज़ है, रीच। आपको मैं दिखाता हूँ रीच। और ये बंदर अब बंदर मिलाने जा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमें कोई खुले वो चेक करें, डर है ना करो मूसा। देख मेरे को खौफ होता है, बेशक पीछे जंगल, लेकिन मेरे को खौफ होता है। ये कब्स हैं, कब्स। कब्स के अंदर डालेंगे। ये कह रहे हैं कि पहले ना ये वाले खुले होते थे, अब इनको हमने बंद कर दिया, लेकिन अभी ये कह रहे हैं हम खोलते हैं, तो आप अंदर जाके हाथ लगा लें। तो हाथ लगाना, हाथ लगाते हैं। तो तुम डायरेक्ट हो भाई, आपने मिल गाना। ये देखिए जरा, ये इसको ना इसको दरअसल ना गोश की खुशबू आ रही है हमारे। तो इस तरह घूम रहा, देखा जरा। ओ यार नहीं कुछ भी कहते, मैं लास्ट टाइम होके गया था। यार बेशक जो भी है, शेर का नाम सुना ना वैसे दिल धक धक कर लगी, लेकिन मैं काम रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता। इंटर तो हो गए, लेकिन ये देख जंगल के अंदर अजीब सी फीलिंग। नुमान हाथ लगाने जा रहे हैं मेरे ख्याल से, हाथ नहीं लगाना, जस्ट एंटर ही हो गए ये काफी। उस्मान क्या हो, थोड़ा सा दूर ही रहे तो बेहतर है। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। अरे डर लग रहा है आप लोगों का, तो टीम का काम है ना वो खाना छाना डालना। अब मुंह पकड़ ले, पीछे काम करना नहीं छोड़, ठीक है। ये क्या, मेरे ख्याल से बाहर चले जाना चाहिए, इतना काफी हो गया। पूछ रहा था ना सफाई वगैरह किस तरह करते हैं, तो इन्होंने ना ये सिस्टम किया हुआ कि देखें ये दरमियान में इन्होंने दरवाजे लगाए हुए, तो कह रहे हैं कि अगर इसकी सफाई करनी होती है ना तो पहले एक साइड की सफाई करनी है, दूसरी तरफ बंद कर देते हैं। अगर दूसरी तरफ, अब जिस तरह वो उधर चली गई है ना, तो दरमियान में दरवाजा लगाया बंद कर देते हैं, फिर इधर जगह की सफाई कर लेते हैं। बस जानवर ही जानवर। आगे हम देखते हैं, और वो देखें कितना क्यूट सा है। आगे कबूतर वगैरह, मुर्गियाँ, ये देखें मुर्गा इसके ऊपर से कितना मजे का लग। बंदर, ये बंदर। ये हैं जी बाज। वाह यार जबरदस्त, ये बाज है। यहाँ पर अब बाज का सेक्शन है, यहाँ पर तकरीबन 10-12 बाज हैं। काफी जानवर पीछे चले गए। अच्छा ये ऑस्ट्रिच वगैरह देख के बंदे थोड़ा हैरान होते हैं, जब इतने अपने करीब से ये जानवर देखता है ना, दूर दूर से देखने में। इससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, गर्दन इतनी लंबी पावे, उठा के मोबाइल ही खींच ले। बचो
बच्चों आपने जंगल में क्या क्या देखा? कल हमने थोड़ा दूर रही, किसी और सेक्शन में जा रहे हैं। ये फरूख अंकल जिनका जो है ना इधर ये डेरा है, उस उनसे मिलने जा रहे हैं हम। अच्छा जी, आपने शायद नाम सुना हो फरूख फोकर। अब हम इनके जहाँ पर ये ठहरते हैं वहाँ पर जा रहे हैं इनसे मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। काफी ज्यादा लोग हैं, काफी ज्यादा जुम्मा है ना दरअसल। फिर हम उनसे जाके अभी थोड़ी देर बैठते हैं और उसके बाद जो है वो तस्वीरें बनाते हैं और फिर अब्दुल्ला की गाड़ी में निकलते हैं। ठीक, ये अब जो है वो आपको हम सोने की कलेक्शन दिखाते हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें, ये जो है इनको आसिफ अली जरदारी ने दी हुई है, प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये देख सकते हैं आप, अभी जो है बाहर जो है काफ़ी रश है, उनका शायद कोई खाना वगैरह इधर इवेंट है कोई, उन्होंने दावत शावत रखी हुई है जिसकी वजह से ना अभी उन्होंने कहा थोड़ी देर आप अंदर बैठो। मज़ा आया, हाँ इधर इधर आओ ना, इसका नाम क्या है, हम तो पहली दफ़ा इस तरह की जगह पे आए ना, तो इस तरह की जगह क्या ना खौफ कह सकते हैं, खौफ सा आता है कुछ अजीब से, वो लंबे लंबे बालों वाले, थोड़ा सा ना पहली दफ़ा आए उधर तो इसलिए। तो आपको कैसा खौफ है थोड़ा बहुत? हाँ जानवरों से बहुत ज़्यादा खौफ है। जब नहीं वो जिस तरह लंबे लंबे बालों वाले, हाँ उनसे भी लगता है अजीब लगता है थोड़ा। हाँ भैया आपको कैसा लगा? भैया आपको कैसा लगा? हम तो रहते हैं हर रोज। चलो आपको दिखाते हैं अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं ना। ये बताइए आपने क्या नाम सुना हो जफर सुपारी? अभी मैंने देखा है कि वो जफर सुपारी पिंडी के एक और हैं, वो भी मशहूर है, वो भी आए हैं इनसे मिलने आज। जुम्मे वाले दिन इस तरह के लोग होते हैं ना, ज़्यादा थोड़ी बैठक शैकट होती है इनकी, थोड़ी बैठते हैं आपस में। तो जफर सुपारी भी आया है, जैसा कि आपने इनकी यूट्यूब वगैरह में इनकी गाड़ियाँ वगैरह देखी होंगी, ये इनकी जो है वो उसको एक क्या कह सकते हैं, मार्क गाड़ी है, हमर है तो, लेकिन जो इनकी निशानी है वो उस तरह की मार्क गाड़ी है। ये आप देख सकते हैं हमर है इसका नाम, ये देखें 333। बाकी इनकी एक ये है, ये कौन सी है? शेवरलेट है उसके पीछे, बाकी गाड़ियाँ जो हैं ये खड़ी हैं इनकी गाड़ियाँ, बाकी ये शायद वार्ड्स कह रहा हूँ, गार्ड्स वगैरह की हैं। ठीक है, और उधर आपको जो है वो लेमोजीन दिखाते हैं, आओ उधर। और ये देख सकते हैं आप, ये देखें कितनी लंबी है, ये लेमोजीन है, इसको आपको सामने से भी दिखाते हैं। ये देखें इनका मार्क, ठीक है, ये देखें चेक करें आप। जो है वो इधर जो पीछे छोटी सी जगह है वहाँ पे इन्होंने घोड़े भी रखे हुए हैं, आपको घोड़े दिखाते हैं। ये देखें जी, ये इन्होंने इधर ऊँट भी खड़ा हुआ है, गायें भी खड़ी हुई है, काफ़ी बड़ा डेरा है यहाँ पे इनका। देखें आप, वो इन्होंने लगता है पीछे कोई माल्टे वगैरह भी लगाए हैं, माल्टों के वो सामने, ये आप देख सकते हैं, ये देखें माल्टों के दरख्त है। कमजोर इन लोगों ने इनको खुद किया है, क्योंकि वो ना फिर इन लोगों ने क्रॉस कराना होता है ना, क्रॉस का सीजन है, तो फिर अगर राजा पली भी घोड़ी हो ना उसका क्रॉस सही नहीं होता। अच्छा, उसकी काबिल नहीं होती है इनकी, आजकल इन्होंने खुराक कम दी, वही मैं कहते हैं कि इन्हें खुराक कम दी है ताकि थोड़ी सी कमजोर हो, फिर क्रॉस के लिए सही रहती है। हाँ शायद, मैं भी वही देख रहा था, तो कमजोर रही है काफ़ी सारी हड्डियाँ। मिलने का ये सीन है कि उनके ना मेहमान काफ़ी आए हैं, तो 1.5-2 घंटे लग जाएंगे मिलते, तो जिसकी वजह से हमने कहा कि किसी और दिन आके मिल लेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम सिर्फ ब्लॉग ही बना रहे थे, चीज़ें ही बना रहे थे, क्या कहते हैं, वहाँ से निकल रहे थे काफ़ी देर के,
हमने सारा डेरा देख लिया था, अब हम खाने के लिए जा रहे हैं, तुम आगे चलो, हम लोग ना बच्चे आगे चले उनके साथ, बच्चे नहीं है, हम कोई जगह ढूंढ रहे हैं, कोई सस्ती सी जगह, कोई सस्ती सी जगह। हमका हमारा प्लान था पिज्जा का, पिज्जे के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? पापा जॉन्स। पापा जॉन्स हम दोनों ने मिल के, ये रहा पापा जॉन्स। पहले तो हमने ये प्लान है कि कॉल करके पूछ लेते हैं ताकि अंदर जाके बेइज्जती ना हो, लेकिन इंशाल्लाह आई होप कि नहीं, इतना तो हम दोनों ने अफोर्ड हो जाएगा। चलें आप अंदर जाते हैं, आपको दिखाएंगे कि हम बाद में ऑर्डर क्या करते हैं, मंगाया क्या है। वो हम ना पापा जॉन्स आए हैं, ये आप देख सकते हैं पापा जॉन्स इधर जो है, अभी हम ऑर्डर दे रहे हैं, ये आगे ऑर्डर दे रहे हैं, और जो है मैं वो पीछे ब्लॉग बना रहा हूँ। ये अभी जो है वो प्लेट्स वगैरह लग गई हैं, ये भी हम जो है वो आउटडोर बैठे हैं, आउटडोर अभी पिज़्ज़ा जो है वो कितना टाइम दिया उन्होंने बनने का, 15 to 20 minutes। तो आता है पिज़्ज़ा तो आपको दिखाते हैं जी। हमारा जो है पापा सेलस कह रहा हूँ, पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा आ गया, और अब हम खाते हैं और आपको दिखाते हैं साथ साथ। ये इनके मुँह में सबके पानी आना शुरू हो गया, इनके भी इनके तो देखें। ये जो है ना, हमने चीजियस का पिज्जा छोड़ के जो है हम पापा सेलस आए, पापा जॉन्स आए हैं। हमने इनका लार्ज पिज्जा मंगाया है, लाके इनका था 2100 का था ना, तो लेकिन इतना साइज इतना लार्ज था और इतना छोटा साइज देख के किस्से में भी नहीं आया था, इतना पेट ही नहीं भरा, बिल्कुल मजा नहीं आया खाने का। तुम्हारा पेट तो है। इनकी शक्लें बन गई है, हंस रहे हैं, इतना कम पिज्जा था कि सॉसेस भी खत्म नहीं हुए हमारे, एक एक स्लाइस आया वो भी इतना छोटा छोटा। तो मैं रिकमेंड करूंगा जिसने पापा जॉन्स खाना ना खाए, क्योंकि पिज्जा बहुत छोटा है, सिर्फ दो बंदों। साथ अपना ब्लॉग करते हैं खत्म। उम्मीद है कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इससे जो अगला ब्लॉग है वो आपने मिस नहीं करना, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लॉग है, और उम्मीद है कि आपको वो बहुत पसंद आएगा। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।